हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मेरी शॉप के बारे में, शॉप किधर है और कितने कमरे और क्या है, तो आपको दिखाऊंगा अभी। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। तो ये है अपनी शॉप, गन्ने के जूस की शॉप है। तो ये आप देख सकते हो, ये गन्ने पड़े हुए हैं और ये गन्ने का जूस निकालने का मशीन है। और इधर से मतलब ये जूस निकलता है और ये पतली पड़ी, इस पतली में मतलब गिरता है जूस। ये पतली में जूस गिरता है और ये पास में ये नींबू पड़े हुए हैं और ये गन्ने पड़े हुए हैं साफ़ किए हुए। और ये गन्ने के जो छिलके निकलते हैं वो छिलके, और आपको बता दूँ कि अंदर मतलब ये मशीन मतलब चलता कहीं सही हूँ। तो ये नीचे दिखा दो आपको, ये तो इसके अंदर ये मोटर लगी हुई है। तो मोटर से मतलब ये बटन है ऑन ऑफ करने का, तो इससे चालू बंद होता है। और अगर बाई चांस कभी लाइट वगैरह नहीं हो तो ये जनरेटर भी लगा रखा हमने, तो जनरेटर से अगर कभी चालू करना हो, बिना लाइट नहीं हो तभी भी ये जनरेटर में पेट्रोल डलता है, तो पेट्रोल डाल के चालू कर सकते हैं। तो और आपको दिखाऊँ आगे कमरे कितने, तो चलिए दोस्तों आपको दिखा दूँ अंदर की तरफ। और यह है आटा चक्की, तो इसमें आप गेहूँ पीसने, गेहूँ या मक्की कुछ भी हो पीसा सकती। तो अभी देख सकते हो इसके अंदर गेहूँ पड़े और ये एक दो पीसने के मतलब आए थे, पीस दिए मैंने। और आपको बता दूं कि मतलब ये है काटा, मतलब इधर जो गेहूँ लेके आया था वो तोल सकते इधर। तो इधर से तोल के आपको दिखा दूं कि इसमें भी ये मोटर लगी हुई है, तो इसमें थोड़ी बड़ी मोटर लगी हुई 5 की मोटर है। और ये मतलब इसको चक्की बोलते हैं, और ये चक्की मतलब 16 की है। आप देख सकते हो ये 16 की चक्की है, 14 की आती है, 12 की आती है, इससे बड़ी भी आती है 18 की, 20 की नहीं आती है। और अंदर का आपको व्यू दिखा देता हूँ, ये अंदर से इस टाइप से है अपनी शॉप। और ये नींबू पड़े हुए हैं और इस डिब्बे में मतलब वाटा है भैंसों के लिए। और इस डरम है ये बड़ा, इसके अंदर गेहूँ पड़े हुए हैं थोड़े, और ये थोड़े गन्ने पड़े हुए हैं। ये गन्ने मतलब साफ करके उधर चरखी पे जमाए जाते हैं, चरखी पर जमाता हूँ। और ये आप देख सकते हो, ये छोटा सा मंदिर है भगवान का, गणेश जी बिठा रखे हैं और ये लक्ष्मी माता जी की फ़ोटो है। और उसके नीचे ही ये थोड़ा केबिन थोड़ा बना रखा है, ये ड्रॉ पैसे ऐसे रखने के लिए। और ये जग पड़ा हुआ है, इसमें जूस डाल के ये गिलास में भर के कस्टमर को देने के लिए। और बताऊँ आपको कि ये पूरा कमरा है और ये पास में एक दूसरा और कमरा है, ये आप देख सकते हो, ये दूसरा कमरा है और ऊपर चद्दर लगी हुई है। ये दूसरे कमरे में रात को भैंसे बांधने के लिए ये दूसरा कमरा है। तो बाहर की तरफ चलते हैं, आपको दिखाता हूँ भैंसे किस तरफ बांधी हुई है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ आगे। ये रोड, ये डूंगरपुर रोड है। तो ये देखो गाड़ियाँ और बसें वगैरह जा रही है। और ये बाहर की तरफ देखो, इस बाहर की तरफ से ये व्यू आ रहा है। ये कुर्सियाँ पड़ी हुई है, खाट पड़ा हुआ है। और ये नीचे भी इधर साइड भी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और ऊपर हमने ये टेंट लगा रखी, ये चार पाइप है। और ये थोड़े यूँ कुछ ये व्यू आ रहा है। तो चलिए अपन अंदर चलते हैं, मैं आपको भैंसे दिखा देता हूँ। तो आपको बता दूँ कि इसके अंदर ये भैंसे हैं, ये 3 बड़ी बड़ी भैंसे हैं और ये छोटा बच्चा उस वाले का, और वो लास्ट में एक छोटा दूसरा वो दिख रहा है, वो वाला, वो इस वाले का, ये नहीं इसका, और ये गाय का बछड़ा है। और ये इनके पीने के लिए पानी भर रखा हमने, ये पानी। और ये जो गन्ने आपको दिख रहे हैं, ये गन्ने हमारे गन्ने, ये मतलब पीछे तक है, आपको दिखा दूँ। ये पीछे मतलब गली से इधर पीछे रोड एक और है, तो अभी आपको दिख नहीं रहा, ये छोटा सा वो मकान टाइप दिख रहा है, वो मकान मतलब थोड़ा रूम है, किराए पर दे रखा है, तो वो भी हमारा ही रूम है। तो अपन चलते वापस शॉप की तरफ, तो आपको दिखा दूँ क्या क्या है अंदर। तो ये बादाम का पेड़ है, आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, और इस वाले रूम में पड़ा है भैंसों के लिए चारा, ये सूखी चार पड़ी हुई है, तो देख सकते हो आप, ये सूखी चार है और बाकी ये छिलके गन्नों के सूखे, ये जलाने के लिए। और बंद कर देते किमट वापस, तो चलते वापस अपने। तो व्यू देख सकते हो इस तरह से, ये थोड़ा व्यू आता है। और ये पीसने के लिए गेहूँ पड़े, तो ये भी लाइट चली गई तो अभी ये पीसने बाकी है, तो थोड़ी देर बाद पीस देंगे। तो ये अपनी बाइक और ये रोड्स का व्यू।
तो हमने इधर छोटे मोटे ये पौधे लगा रखे हैं, पौधे बताता हूँ आपको। और ये आपको बड़ा, ये थोड़ा बड़ा पौधा दिख रहा है, ये बादाम का है। और एक छोटी बादाम इधर भी उगाई थी लेकिन ये बड़ी नहीं हुई, ये बीच में दिख रही है छोटी बादाम थी। और आपको बता दूँ कि ये नीम का पेड़ है, ये काफ़ी थोड़ा बड़ा हो गया, लंबा हो गया लेकिन मोटा नहीं हो रहा है। तो ये नीम का पेड़ है और ये बीच में मैंने अशोक भी लगाया था, ये बीच में थोड़ा दिख रहा होगा आपको, अशोक का वो है, लंबा लंबा उगता है वो। और इधर भी थोड़ा नीम का है एक, और ये इमली का है। और आपको दिखा दूँ कि ये मतलब कहीं का, ये पता नहीं, छोटे छोटे फूल उग रहे हैं, किस चीज़ के फूल है नहीं पता। और ये तुलसी, तुलसी का पौधा है ये। और ये आपको ये नीचे दिख रही कि ये छोटी छोटी वो कंक्रीट है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंक्रीट आती है उससे थोड़ी छोटी है ये, बिल्कुल बारी बारी, इससे ये कीचड़ वगैरह नहीं हो इसलिए। और ये फूल है और ये थोड़ा हरा भरा है। और आपको दिखा दूँ कि ये अनार का पौधा है, ये आपने अनार वगैरह खाए होंगे तो ये अनार का पौधा। और ये एकाध पिसाने का पड़ा है और थोड़ा बहुत ये अंदर पड़ा है, तो अभी देखते हैं, लाइट आई कि नहीं, लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा रह गया था, तो पीस देंगे अभी, तो देखते हैं लाइट आ गई कि नहीं आ गई। तो ये मीटर में देखो आप, ये लाइट लग रही इसलिए मतलब बता रही, इसका मतलब लाइट आ गई। तो अब चालू करके अपन पीस देते हैं ये। तो ये चक्की चालू हो गई है अब, मतलब इससे ये बराबर छोटा बड़ा करके मिला के चक्की चालू कर देते हैं। और ये अपनी शॉप मेन रोड पे ही है, और वो देख सकते हो आप, वो लोधा का बोर्ड लगा हुआ है और उसके पास ही जस्ट, और ये लोधा तालाब है आगे, और तालाब के मतलब इधर साइड गांव के मतलब तरफ जो फर्स्ट वाली चरखिया थी वो अपनी है, ये देख सकते हो थोड़ा इस तरह से व्यू दिखता आगे से। ये नीलेश आ रहा है, अब थोड़ी देर बैठेगा। तो दोस्तों काफ़ी थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो गया ये अंदर, तो अभी लाइट लगा लेते हैं। और ये नीलेश पढ़ रहा है, क्या कर रहा है नीलेश? पढ़ रहा हूँ। लाइट लगा देते, थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो रहा है। लाइट लगा दी और ये वायर भी लगा देते हैं। सारी लाइटें लगा दी, तो ये आप देख सकते हो सारी लाइट लगा दी, ये वाली लाइट लग गई, वो वाली भी लग गई, सॉरी ये वाली लग नहीं रही, अब इसको लगाएंगे, ये इधर से इधर कनेक्ट है। नीलेश कैमरा पकड़ के, नीलेश तेर से नहीं लग रही, मैं लगाता हूँ, ले पकड़ इसको। तो ये लाइट लगी नहीं रही, लग जा, लगी नहीं रही, लग रही बंद हो रही, ऐसे से हो रही, प्लग में थोड़ा गड़बड़ होगा, सही करके। तो आखिर में ये लाइट लग गई और ये नीलेश आ गया है, और ये नीलेश आ गया है। और मम्मी ने एक भैंस का दूध निकाल दिया है, तो अभी दूसरी एक भैंस का निकालेगी, तब दूध देने जाऊँगा मैं, और नीलेश दुकान पे बैठेगा, और मैं लेके जा रहा हूँ ये दूध। तो चलते हैं अपन, ये हमने बाइक निकाल दी, बाइक में पेट्रोल नहीं इसलिए थोड़ा पेट्रोल, पहले पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भरा देते पहले। तो चलते अभी पेट्रोल पंप पे। अभी टाइम हो रहा 7:30, 7:15 अभी टाइम हो रहा 7:15। तो मैं हनुमान मंदिर जाके आ गया हूँ, तो देखते खाने में क्या बना है। तो खाने में है रोटी,
और ये भिंडी की सब्ज़ी और चावल। तो अभी टाइम हो रहा है, रात की 9 बज गई है और मैंने वीडियो एडिट खाना वगैरह खा के वीडियो एडिट कर दिया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना।